नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा, और आज देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आज देश की जो सबसे बड़ी खबर है, जिस पर चर्चा हो रही है लगातार, वो है प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश। जी हां, एक खत से ये खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को मारने की साजिश हो रही थी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने कुछ पूछताछ में और कुछ छानबीन में एक लेटर, एक खत पाया है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी के मारे जाने की खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, वो आज देश की बड़ी खबर हो गई है। दिल्ली पुलिस ने इस खत में ये पाया कि कुछ नक्सली संगठन और कुछ नक्सली ग्रुप मिलकर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश करने की बात कह रहे थे। दरअसल इस खत में इस बात का भी जिक्र है कि कहाँ से बंदूक खरीदनी है, कितने पैसे खर्च होने हैं, और इसका पूरा खुलासा इससे होता है कि इस खत में एक और राजीव गांधी की हत्या, एक और राजीव गांधी की तरह हत्या, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तकरीबन 8 करोड़ रुपए का खर्च किसी राइफल और गोली को लेकर बताया गया है। ये तमाम बातें जो हम आपको बता रहे हैं, ये उस खत में जिक्र किया गया है, इस तमाम शब्दों का, इन तमाम बातों का। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इस तरीके की जो चिट्ठी मिली है उसको बहुत संजीदगी से लिया है, और इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी की तमाम सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल कई बार आपने देखा होगा कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए अपनी रैलियों और अपनी जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी आम लोगों से मिलते हैं। अब शायद आप ये नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अब सिक्योरिटी बहुत सख्त और टाइट कर दी गई है। इस खत में रैलियों का भी जिक्र है। कहा यह गया है कि जिन इलाकों में आपकी सरकारें नहीं थी, आप सत्ता में नहीं थे, आप सरकार बनाने के हिस्से में नहीं थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस तरीके का काम किया है, कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कि रैलियां सबसे ज्यादा बड़ा टारगेट है प्रधानमंत्री मोदी को मारने का। फिलहाल ये साजिश नाकाम होती दिख रही है। दिल्ली पुलिस का ये बड़ा खुलासा आज की बड़ी खबर है। अगली खबर का रुख करते हैं। कल आरएसएस के मुख्यालय में प्रणब मुखर्जी पहुंचे थे, पूर्व राष्ट्रपति, कांग्रेस के दिग्गज नेता। वहां पहुंचने से पहले तमाम तरीके की बातें हो रही थी, तमाम तरीके की गुफ्तगू चल रही थी। कांग्रेस के खेमे का एक बहुत बड़ा जो धड़ा था, वो बहुत नाराज भी था प्रणब मुखर्जी से कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। लेकिन प्रणब मुखर्जी ने अपने संबोधन में बहुत ही सामान्य राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नफरत न करने वाली राजनीति की बात की, जो कि निश्चित तौर पर उम्मीद भी थी कि वो वैसा ही कुछ कहेंगे। लेकिन उनके भाषण का, उनके संबोधन का जो अंत हुआ, वो धन्यवाद, जय हिंद और वंदे मातरम से हुआ। चर्चा करने वाले लोगों के लिए सिर्फ वंदे मातरम शब्द रहा, और आज भी उसी बात की चर्चा हो रही है। हालांकि कांग्रेस के खेमे में ये कहा गया कि कांग्रेसी मानसिकता जो है वो प्रणब मुखर्जी ने जाकर आरएसएस के मुख्यालय में लोगों को बताई है। लेकिन एक सवाल बड़ा हैरान करने वाला है कि अगर आपको ये पता था कि प्रणब मुखर्जी इस तरीके की ही बातें करेंगे, या आपको प्रणब मुखर्जी के ऊपर इतना भरोसा था, तो पहले कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही थी उनकी इस यात्रा को लेकर, या नागपुर में आरएसएस के कार्यालय में जाने को लेकर। बहरहाल कांग्रेस की आदत रही है पहले कुछ और बाद में कुछ और। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। कर्नाटक में फिलहाल कुमारस्वामी मुख्यमंत्री हैं, और तमाम जो मंत्रिमंडल है उसके नाम भी सामने आ चुके हैं, उन लोगों ने शपथ भी ले ली है। लेकिन यहां विवाद के स्वर बड़ी ही तेजी से उठते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 1 दर्जन ऐसे मंत्री हैं जिन लोगों ने शपथ ली है, और अब उनके इतर कुछ ऐसे जीते हुए लोग हैं जो कि नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और मंत्रिमंडल में ही तमाम मनमुटाव देखने मिल रहा है। अब सवाल ये कि कुमारस्वामी कितने दिन तक अपनी ये सरकार चला पाएंगे। कर्नाटक का जो नाटक रहा है वो लगातार हमने आप तक पहुंचाया है, और अभी भी यूं कहिए कि पर्दा गिरा नहीं है, नाटक जारी है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। विराट कोहली, लगातार पिछले 3 दिनों से विराट कोहली के लिए बड़ी ही अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। सबसे पहले उनका स्टैचू तुसाद म्यूजियम में पहुंचता है, उसके बाद फोर्ब्स की सूची में उनका नाम आता है, भारतीय सबसे ज्यादा कमाई करने वाले वो बनते हैं, और अब बीसीसीआई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए चुना है। जी हाँ, अब से थोड़े दिनों बाद उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। उनका स्कोर 2016-17 और 17-18 को लेकर उन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान, उनकी कप्तानी में शानदार प्रदर्शन टीम इंडिया ने किया है। आपको बताएं कि आईसीसी की रैंकिंग में, टेस्ट रैंकिंग में, विराट कोहली की ही कप्तानी में भारतीय टीम पहले नंबर पर रही है।
वनडे की जो कप्तानी उनकी रही उसमें आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 2 स्थान हासिल किया था इंडियन क्रिकेट टीम ने। जिस लिहाज से उनके प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर घोषित किया है और ये साल 2016-17 और 17-18 के प्रदर्शन पर आधारित पुरस्कार है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं, विराट कोहली की बात हो गई तो अब जरा महिला क्रिकेट की भी बात कर लें। जी हाँ, मिताली राज भारतीय टीम की कप्तान ने एक शानदार रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वो रिकॉर्ड है पूरे विश्व में 2000 रन बनाने की, दूसरी महिला अब मिताली राज बन चुकी हैं। आपको बता दें कि भारत की वो पहली महिला हैं लेकिन विश्व में उनका स्थान दूसरा है। शानदार रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। इसके बाद आईसीसी ने उन्हें अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए बधाइयां दी हैं, बीसीसीआई ने उन्हें शुभकामनाएं भेजी हैं और भविष्य में उनके खेल को और ज़्यादा अच्छा देखने की बात कही है। लगातार जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम यानी महिला क्रिकेट टीम जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, निश्चित ही इसका भविष्य बहुत अच्छा है। मिताली राज ने अपने नाम ये एक बड़ा रिकॉर्ड किया है। मिताली राज को पंजाबी टाइम्स की तरफ से भी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। तो ये थी आज देश की 5 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। हमारी कोशिश होती है कि आपको हम ऐसी खबरें पहुंचाएं जो सिर्फ और सिर्फ आप पंचायती टाइम्स पर देख पाएं और देश की बड़ी खबरें आप सिर्फ एक क्लिक पर जान पाएं। हमारा ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज्यादा बेहतर हो, इन्हीं उम्मीदों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।